इज विराट कोहली रियली फिनिश्ड? क्या विराट कोहली अब हमें पहले जैसे विराट कोहली खेलते हुए फील्ड पे नहीं नजर आएंगे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार, आई नो इस टॉपिक पे काफी लेट वीडियो बना रहा हूँ मैं, बट इट्स वर्थ मेकिंग क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली एंड हिज करियर एंड वॉट विल बी द फ्यूचर ऑफ विराट कोहली इन इंडियन टीम। सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। बट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो यार, विराट कोहली के ऊपर जितनी क्रिटिसिज्म हमें सुनने को मिल रही है पिछले कुछ मंथ्स में, वो अपने में ही कहीं ना कहीं ठीक भी है एंड कहीं ना कहीं गलत भी है। दो तरह के पहलू हैं इस टॉपिक पे कि क्या विराट कोहली अब इंडियन टीम में वापस आएंगे या क्या विराट कोहली इंडियन टीम से ड्रॉप हो जाने चाहिए। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, विराट कोहली वापस आएंगे। तो यार, हम तीनों बातों पे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम शुरू करेंगे। विराट कोहली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जिस हिसाब का उन्होंने डोमिनेशन करा है पिछले 10 सालों में, हम सबको पता है किस कैलिबर का वो प्लेयर है एंड उसने क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी है हमें पिछले 10 सालों में। अगर आप हमारे राइवल्स से भी पूछो, पाकिस्तान प्लेयर्स से भी पूछो या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से भी पूछो कि पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया क्रिकेट प्लेयर कौन था या 10 साल में सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन था, तो अनडाउटेडली सिर्फ एक ही नाम उनकी जुबान पर आएगा, वो है विराट कोहली। एंड क्यों ना आए यार, सिंस 2011 वर्ल्ड कप जो उन्होंने अपना करियर शुरू करा है, हमें आदत सी हो गई है उनको हर मैच में देखने की, सेंचुरी 50s उनकी देखने की आदत हो गई है। तो अब जब वो पिछले 3 साल से नहीं बना रहे हैं सेंचुरी, तो हम सारे यही कह रहे हैं कि यार कब विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा, अपनी 71st सेंचुरी, एंड कब वो वापस फॉर्म में आएगा। बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक प्लेयर के लाइफ में एक टाइम आता है जब वो अपने पीक ऑफ द पावर्स पे होता है एंड एक टाइम आता है जब उसके लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा होता। तो विराट कोहली के लिए वही टाइम है यार कि कुछ भी उनके लिए सही नहीं जा रहा, वरना हम सबको पता है कि 70 सेंचुरीज मारना इंटरनेशनल लेवल पे, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इतना मुश्किल होता है यार 70 सेंचुरीज मारना। ये उनसे पूछो पाकिस्तान में जाके जो विराट कोहली को गलत बोलते हैं, एंड उनके अपने देश के प्लेयर सारे भी अगर मिला लो, टोटल आज तक जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हुए हैं सबकी सेंचुरीज मिला के भी 70 सेंचुरीज नहीं बनती हैं। और जहां पे अकेले विराट कोहली ने डोमिनेशन करा है, नॉट ओनली इन T20 क्रिकेट, वन डे क्रिकेट एज वेल एंड एज वेल एज इन टेस्ट क्रिकेट, एंड 2013 में वो बंदा पहली बारी ODI क्रिकेट में नंबर 1 पे आया था, एंड तब से लेकर आज तक यार जो उसने रुतबा बनाया अपना हर फॉर्मेट में, देख के अच्छा लगता है विराट कोहली को कि ऐसा प्लेयर इंडिया को मिला। बट उस बंदे को रिकॉर्ड्स उसको नहीं चाहिए अब, क्योंकि रिकॉर्ड्स उसके पास सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं जितने एक इंडिविजुअल क्रिकेटर के पास आ सकते हैं। सर गारफील्ड सोवर्स प्लेयर ऑफ द डेकेड का अवार्ड उनको मिला है, ODI में कितने साल तक नंबर 1 पे रहे हैं वो, टेस्ट में कितने साल तक नंबर 1 पे रहे हैं, पद्मश्री उनको मिला है, अर्जुन अवार्ड उनको मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड से वो नवाजे गए हैं, एंड 2016 में तो यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको मिला था। मतलब ऑन द फील्ड ही नहीं, ऑफ द फील्ड भी विराट कोहली कितने सक्सेसफुल हैं ये इससे पता चलता है। 2014 T20 वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं यार, एंड जो उन्होंने क्रूशल टाइम्स पे जो पारी खेली है सिंस दैट फर्स्ट इनिंग्स जो हमें याद आती है होबार्ट में अगेंस्ट श्रीलंका CB सीरीज में, वो थी बेंचमार्क इनिंग्स जिससे कि विराट कोहली का नाम होना शुरू हुआ था। बट हमें आदत हो चुकी थी इतने सालों में विराट कोहली को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए देखने की। बट यार, ये जो क्रिटिसाइज करना होता है प्लेयर को, ये ठीक होता है, बट आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज चले जाओ किसी को क्रिटिसाइज करने में, वो अच्छा नहीं लगता यार। क्योंकि विराट कोहली का हमें भी पता है अभी भी उनके अंदर अच्छे 5-6 साल बचे हुए हैं, एंड ही कैन प्रोड्यूस द नंबर्स विच ही रिसेंटली प्रोड्यूस इन रिसेंट ईयर्स। हम सबको पता है एक बारी अगर कोहली की सेंचुरी आ गई तो फिर वो बंदा नहीं रुकेगा। एंड यार, वी शुड एडमायर कि इंडिया में एक ऐसा प्लेयर पैदा हुआ है जिसने राज करा है क्रिकेट में, क्योंकि एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर साहब का
आखिरी टाइम चल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो सब इंडियंस यही सोचते थे कि ऐसा प्लेयर हमें गॉड ऑफ क्रिकेट जैसा कब मिलेगा, अब दोबारा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट वी आर लकी इनफ कि अभी सचिन तेंदुलकर साहब रिटायर भी नहीं हुए थे एंड एक नया टैलेंटेड लड़का आ चुका था इंडियन टीम में विराट कोहली के रूप में। तो यार अब विराट कोहली के बाद क्या होएगा इंडियन टीम का, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि आजकल का आपको पता है कि यूथ कैसा है, वो T20 क्रिकेट खेलना चाहता है ज़्यादा। जैसे विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स खेलना चाहते थे अपने शुरुआत में, सचिन तीनों फॉर्मेट्स खेलना चाहते थे। खैर उनके टाइम पे तो T20 क्रिकेट था भी नहीं, काफ़ी टाइम बाद आया। बट आजकल के लड़के ऐसे नहीं हैं, वो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलना चाहते हैं, टेस्ट एंड वनडे क्रिकेट में उनका इतना ध्यान नहीं रहता है। तो क्या फ्यूचर होगा इंडियन टीम का विराट कोहली के बाद, वो बहुत ही देखने वाली बात होगी। कि ऐसा लीडर, ऐसा एग्रेशन वाला लीडर, ऐसा बैट्समैन जिसने ऑलमोस्ट हर देश में जाके सेंचुरी मारी हो, क्या हमें फिर से ऐसा कोई विराट कोहली जैसा प्लेयर मिलेगा? आई डोंट थिंक सो कि आने वाले 10-15 साल तक ऐसा कोई प्लेयर हमें मिलेगा एंड ऐसे नंबर्स प्रोड्यूस करेगा वो इंटरनेशनल स्टेज में। एंड सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज क्यों, IPL में हम सबको याद है 2016 में विराट कोहली ने क्या नंबर्स प्रोड्यूस करे थे, 4-4 सेंचुरीज एक साल में, एक सीजन में लगाई थी IPL की। तो यार जितना भी विराट कोहली ने करा है इट्स हाईली अप्रिशिएबल, तभी ग्लोबल सुपरस्टार आज की डेट में विराट कोहली को माना जाता है, जो उन्होंने ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड जो उन्होंने अचीवमेंट्स करी हैं। बट यस, वी शुड नॉट डाउट अवर विराट कोहली, जरूर वो लड़का वापस आएगा एंड फिर से ही जैसे वो पहले सेंचुरीज मारता था लगातार, वैसे ही वो मारेगा। यार बुरा टाइम हर किसी पे आता है, बुरा टाइम हर एथलीट के ऊपर आता है, चाहे आप फुटबॉल में देख लो, चाहे आप क्रिकेट में देख लो। हर एक एथलीट के करियर में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो अपने उस फेस से निकलना चाहता है जल्दी से जल्दी। तभी बाबर आजम को भी पता है एज एन एथलीट के कैसे बुरा टाइम आता है, तभी उन्होंने वो ट्वीट डाला था जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। बट विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, वो निकलना जानता है इन सिचुएशन से। ठीक है कोई प्लेयर 6 महीने में इस फेज से निकल आता है, कोई 1 साल में, विराट कोहली को 3 साल लग गए हैं, कोई नहीं, निकलेगा वो बाहर एंड निकलेगा वो जरूर जल्दी। एंड जब भी वो निकलेगा ना अब तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 70 सेंचुरियां मजाक नहीं होती। वी शुड सपोर्ट यार विराट कोहली, अगर उनके लास्ट 5-6 ईयर्स हैं तो हम सारे यही चाहते हैं कि वो अपनी पीक ऑफ द पावर्स में खेलें एंड इंडिया के लिए हो सके तो एक वर्ल्ड कप भी जिताएं वो, जो कि वो खुद भी जीतना चाहते हैं। एज ए कैप्टन वो नहीं जीत पाए, बट एज अ प्लेयर हो सकता है वो जीत जाए रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। एंड अब हमें विराट कोहली दिखेंगे एशिया कप में खेलते हुए अगेंस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो देखने वाली बात होगी यार वो भी, कि क्या 1-1.5 महीने का जो रेस्ट मिला विराट कोहली को उसका मेंटली उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो रिफ्रेश होकर वापस आते हैं एंड क्या वो फिर से सेंचुरी मार पाते हैं इन एशिया कप, देखने वाली बात होगी। बट यस, विराट कोहली आएगा वापस जरूर एंड ही विल बैंग ऑन अगेन लाइक ही यूज टू डू अर्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईयर एंड ईयर आउट उन्होंने परफॉर्म करा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एक अच्छी इनिंग्स एंड यस वी विल सी विंटेज विराट कोहली एंड हिज कवर ड्राइव्स ऑल ओवर द ग्राउंड। तो यार यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीस आउट।